स्टूडेंट्स, आई एम कुलदीप करियर, सोशल साइंस टीचर. यस बेटा, इन प्रीवियस क्लास में वी लर्न्ड अबाउट गैलेक्सी, सो वी विल कंटिन्यू दिस फ्रॉम दिस टॉपिक विद स्टार्स. क्या है बेटे, स्टार्स सेल्फ लुमिनस हेवनली बॉडीज है. दे आर मेड ऑफ हॉट गैसेज, ये गैसेज के बने होते हैं. ये इनकी अपनी लाइट होती है. दे जनरेट हीट एंड लाइट एंड रेडिएट इन टू द स्पेस. इनकी अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है और रेडिएट करते हैं ये. ठीक है, ये बेटे काउंटलेस होते हैं. हम इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते और हम एक साथ देख भी नहीं सकते कि कितने स्टार्स हैं. ठीक है बेटा, तो क्या है, ये कहा जाता है कि हम एक टाइम में 6,000 स्टार्स को ही देख सकते हैं. दाउ स्टार्स आर वेरी ह्यूज बॉडीज, दे लुक वेरी स्मॉल एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. जी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए छोटे दिखाई देते हैं, वरना जी बहुत बड़े होते हैं. ठीक है, जो डिस्टेंस है बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज इज यूजली मेजर्ड इन यूनिट नोन एज लाइट ईयर. जैसे हम कोई चीज़ का मेजरमेंट करते हैं ना, जैसे सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, तो जो हम डिस्टेंस जो हमारे अर्थ से लेकर हमारी सेलेस्टियल बॉडी तक, हमारे स्पेस तक, उसका जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने की यूनिट को क्या कहते हैं, लाइट ईयर. ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, लाइट ईयर. सम स्टार्स आर फार अवे दैट लाइट रेडिएटेड बाय द देम रिचेस मिलियंस ऑफ ईयर्स. तो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है स्टार्स, तो मिलियन साल लग जाते हैं हमारे तक उनकी लाइट पहुँचने के लिए. ठीक है बेटे, द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ अदर देन सन इज प्रोक्सिमा सेंचुरी. जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो वो हमसे ज़्यादा नज़दीक है. ठीक है बेटा, इट इज़ अबाउट 4.5 लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस. इसकी जो लाइट ईयर है, इसका जो मेजरमेंट की है इस यूनिट में, लाइट ईयर में, तो इसका लाइट ईयर कितना है, मतलब डिस्टेंस कितना है, 4.5 ईयर. ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट है बेटे, डू यू नो में यही बताया हुआ है कि जो एटमॉस्फेयर है कॉजेस स्टार लाइट टू बेंड स्लाइटली. एज अ रिजल्ट सम ऑफ द लाइट रीचेस डायरेक्टली एंड सम गेट्स स्लाइटली बेंट अवे. दिस मेक्स अ स्टार टू ट्विंकल. कभी कभी हमारे तक स्टार की लाइट पूरी पहुंचती है, कभी कम पहुंचती है, इसीलिए हमें ट्विंकल करते हैं, हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं. ठीक है बेटा, तो लाइट ट्रैवल स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट पास करती है. द डिस्टेंस कवर्ड बाई रे ऑफ लाइट इन ईयर और 365 days is called light year. जो 365 days means एक साल में light हमारे तक पहुँचती है उसको light year बोलते हैं. Next है बेटा constellation. Constellation बेटे, if you observe the stars in a light clear night sky, they appear to different shapes and pattern. जो देखो स्टार की शेप्स बनती है, अलग अलग तरह की शेप्स बन जाती है ना, हमें लगता है कहीं एनिमल है, कहीं कोई ह्यूमन बींग की शेप बन रही है, कहीं किसी की शेप बनी, उस शेप को बेटे क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. उर्सा मेजर ऑल्सो कॉल द ग्रेट बियर. जो उर्सा मेजर है उसको ग्रेट बियर कहा जाता है कि उसकी बियर जैसी शेप है. कॉन्स्टेलेशन ऑफ सेवरल स्टार्स. इट अपीयर्स इन द नॉर्दर्न स्काई. ये नॉर्दर्न साइड में है जो उर्सा मेजर है, जो बियर लगता है दिखने में. ठीक है, और इसमें सेवन स्टार है जिसको कभी कभी हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं ना, सप्तऋषि मंडल. इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट बियर. देयर आर 7 अदर फॉर्मेशंस ऑफ स्टार्स विच हैव बीन गिवन नेम्स बाय एस्ट्रोनॉमर्स. जो अलग अलग एस्ट्रोनॉमर्स हैं, स्पेस के साइंटिस्ट्स हैं, वो उनको अलग अलग नेम दे देती है. ठीक है बेटा, 2 ब्राइट स्टार्स हेड ऑफ द सप्तऋषि मंडल कॉल्ड पॉइंटर्स. जो उसमें 2 स्टार ज़्यादा चमकते हैं उसको पॉइंटर्स बोलते हैं. पॉइंट वार्ड्स द स्टेशनरी स्टार कॉल्ड पोल स्टार. उसको पोल स्टार और ध्रुव तारा भी बोलते हैं. ठीक है, जो स्टेशनरी स्टार है इन द नॉर्दर्न स्काई. ये नॉर्दर्न साइड में ही है. पोल स्टार लाइज अबव द नॉर्थ पोल. ये नॉर्थ पोल की तरफ है. इट ऑलवेज इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. इसी से हमें पता चलता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है. देखो जी बनी हुई है, इसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, जो ऐसी कोई शेप बन जाए. ठीक है बेटा, इंडियंस एंड ग्रीक्स हैव बीन स्टडी द शेप्स एंड पैटर्न्स ऑफ द स्टार्स सिंस एंशिएंट टाइम. ये पुराने समय से ग्रीक लोग और इंडियन लोग इनके पैटर्न की स्टडी करते हैं. इन मॉडर्न टाइम्स स्पेस साइंटिस्ट्स एंड एस्ट्रोनॉमर यूज पावरफुल एंड लार्ज साइज टेलीस्कोप्स टू स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी. तो क्या है बेटा, जो एस्ट्रोनॉमर है और साइंटिस्ट है, ये मतलब इनकी स्टडी करते हैं. मॉडर्न टाइम्स में भी इनको टेलीस्कोप की हेल्प से इनके लार्ज साइज को, सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी करते हैं और देखते हैं. ठीक है बेटा,